ओके वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन वेलकम टू दी वाइफ स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया इज नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन चैनल एंड दी पार्ड ऑफ एन अकेडमी तो गाइस आज का ये आपको जो टॉपिक दिखाई दे रहा है यहाँ पे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कभी भी आप कोई भी एग्जाम दिए होंगे या कभी भी आपने अपनी लाइफ में ना कभी भी किसी एग्जाम की तैयारी की है या थोड़ा भी जब आप इस एग्जाम के पूरे माहौल में उतरते हो ना एग्जाम देने के लिए तो पहली चीज तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जिसको हम प्रोटेक्टेड एरियाज बोलते हैं ना यानी कि भारत के जितने भी या इनफैक्ट अगर आपको वर्ल्ड या इंडिया की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट जो चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए जब आप लैंड पढ़ते हो जब आप वॉटर पढ़ते हो कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हो आप ओशन पढ़ रहे हो यहाँ पे तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए हमारे फॉरेस्ट के बारे में ठीक है या फिर हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में पता होना चाहिए अब ह्यूमंस है इनहेबिटेट कर रहे हैं लैंड को इनहेबिटेट कर रहे हैं जबकि ये लैंड जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स की कहीं ना कहीं ज्यादा अगर ह्यूमन बींग्स जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं सरवाइव कर रहे हैं तो उनको नेचर को एक्सप्लॉइड करने का कोई हक या अधिकार नहीं दिया गया बट डिस्पाइट ऑफ दिस ह्यूमन बींग्स आर एक्सप्लॉइटिंग दी नेचर है ना बढ़िया तरीके से हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं यानी कि पेड़ों की कटाई जो है ना वो हम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं हम रॉक्स को पहाड़ों को माउंटेन्स को नदियों के ऊपर डैम्स बनाना पूरे पूरे गाँव को उजाड़ना और पेड़ों को काट के डैम्स वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं जिससे कई सारे फ्लोरा एंड यानी कि कई सारे एनिमल्स और कई सारे जो प्लांट्स है ना उनकी लाइफ को हम यहाँ पे खतरे में डाल देते हैं ठीक है इन्हीं चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए या इन्हीं चीजों को संरक्षण करने के लिए या इस धरती के ऊपर प्लांट्स उतने ही जरूरी हैं या शायद कहीं ना कहीं ज्यादा जरूरी हैं ह्यूमंस की सर्वाइवल के लिए तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ह्यूमंस का वैसे भी कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं है तो थोड़ा उस तरीके से याद रखिए यहाँ पे आ, एनिमल और प्लांट्स की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उनके लिए जब हमने उनको प्रोटेक्ट करना शुरू किया तब जब हमें ये पता लगा कि भाई ये धरती ह्यूमंस की उतनी ही है जितनी एनिमल्स और प्लांट्स की लिए बनी हुई है तब से हमने एनिमल्स को और जो प्लांट्स है ना उनको प्रोटेक्ट करना शुरू किया वर्ल्ड वाइड ये पूरी कंजर्वेशन चलाया गया जिसके तहत हम क्या करते हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या बायोस्फीयर रिजर्व जो है उनको बिल्डअप करते हैं जिसको इन टोटल हम क्या बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया क्या बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि संरक्षित क्षेत्र जिसको बोला जाता है काफी सारी चीजें आती है उसके अलावा टाइगर टाइगर रिजर्व हो गए एलिफेंट रिजर्व हो गए क्रोकोडलिगेटर्स रिजर्व करके यहाँ पे डिफाइन किया जाता है तो आज हम ना थोड़ा सा ब्रॉडली नेशनल पार्क को समझेंगे बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फेर रिजर्व के लिए अपन अलग से यहाँ पे पूरी की पूरी क्लास करने वाले हैं ठीक है तो थोड़ा थोड़ा चीज को करना स्टार्ट कर रहे हैं आपसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छा इसके अलावा स्टैटिक जीके की आपकी जो डिटेल क्लास होती है वो अन अकेडमी पे सात से आठ होती है जिसका टाइमिंग आपको सात से आठ याद रखना है और आज उसमें हम ना जॉग्रफी के वर्ल्ड जोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो करने लग रहे हैं ठीक है अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम इसी आ, सीरीज में बात करें तो एस का कॉम्बैट टेस्ट अन अकेडमी पे 12 बजे संडे को होता है जिसमें आप एक आ, करोड़ की स्कॉलरशिप का एक पूल का जो हिस्सा है ना वो आप यहाँ पे हो सकते हो अन अकेडमी पे कोई भी बेहतरीन जो ही आपके लाइव कोर्सेज वगैरह चलते हैं तो अगर यहाँ पे कोई भी लाइव कोर्सेज आप यूज करते हो तो उनके रेट्स ऑलरेडी डिक्रीज कर दिए गए हैं टेन और साथ में अगर कोई कोड आप यहाँ पे लगा लेते हो जैसे शिप्रा लाइव कोड जो है ना अगर आप यूज करते हो यहाँ पे तो आपको 10 परसेंट का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाता है उसके अलावा जब भी मैंने बोला है कि सात से आठ जो है वो फ्री लाइव क्लासेस होती हैं तो फ्री लाइव क्लास के लिए भी आपको शिप्रा लाइव कोड जो है ना वो यूज करना पड़ेगा अन अकेडमी पे क्लासेस लेना बहुत आसान है आप सिर्फ ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे एसएससी से सेक्शन में जाके शिप्रा चौहान टाइप करिए फॉलो कर लीजिए क्लासेस के लिए ऐसे करके ना आपको यहाँ पे सेशन दिए रहते हैं क्लासेस का जो है ना वो टाइटल दिया होता है जैसे आज की जो क्लास है उसमें आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन और छह से सात जो है वो फिजिक्स की क्लास है दूसरी चीज मैं बता दू की वन क्वेश्चन जो बच गए थे चार क्वेश्चन में से वो अपन कल करने वाले हैं शनिवार को तो शनिवार को अन जो है ना उस उसमें फॉलो करिएगा अन अकेडमी पे हम सैटरडे को यानी कि कल जो है वो एक डेढ़ घंटे की क्लास लेके ना हम वो 125 क्वेश्चन कंप्लीट करने यहाँ पे लग रहे हैं ठीक है थीके? उसके अलावा छे से सात सात से आठ और नौ से दस जो है ना वो अन अकेडमी पे अपनी क्लासेस होती हैं चलिए बाकी चीजों को दरकिनार थोड़ा सा करते हुए आज के टॉपिक पे बात करते हैं कल वाली पीडीएफ के लिए मैंने आपको क्या बोला था कल वाली पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोला था कि पे आना नौ बजे नौ बजे उसका बाकी का बचा हुआ चैप्टर करेंगे और वहीं पे पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो कल नौ बजे जहां पे वो बच्चे जितने भी आए थे उन को पीडीएफ मिल गई है थोड़ा देखिए आपको अपने लेवल पे मैनेज करना पड़ेगा अगर ये प्रोटेक्टेड एरिया में करा रही हूँ और आज मेरे पास फिफ्टी क्वेश्चन है साथ में थ्योरी भी अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे तो यू हैव टू मैनेज अ लिटिल बिट थोड़ा सा क्लास अगर एक घंटे की यहाँ पे हो रही है ना तो थर्टी फाइव मिनट की क्लास के लिए आप

आप एक बार अन अकेडमी पे नौ बजे वाला जो बैच है वहां पे चले जाइए नौ बजे वाली क्लास में आपको पीडीएफ मिल जाएगी ठीक है चलिए प्रोटेक्टेड एरियाज की अगर हम बात करते हैं तो सीधा सीधा आप याद रखिए कि धरती इंडिया की अगर हम एरिया की बात करें तो इंडिया जो है सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री बोली जाती है अकॉर्डिंग तो टू दी वर्ल्ड टोटल परसेंट इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट टू दी सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड दिस अकाउंट फॉर दी टू पॉइंट फोर टोटल एरिया यानी कि हमारी जो इंडिया है ना वो पृथ्वी के ऊपर कितना परसेंट एरिया जो है ना वो यहाँ पे बना के रखी हुई है तो आप 2.4 परसेंट एरिया याद रखेंगे 2.4 परसेंट एरिया पृथ्वी का जो है वो 2.4 परसेंट एरिया भारत कवर कर रहा है और इसकी वजह से ये सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री बन जाती है वर्ल्ड के अंदर ठीक है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट याद रखिए कि सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री जो टू का एरिया कवर करके रखी हुई है वो एट जो है वो पूरे विश्व की बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा बनती है 2.4 पॉइंट परसेंट दो दशमलव चार हमारे भारत का क्षेत्रफल है पूरा जो हम विश्व के रिस्पेक्ट में देखते हैं ठीक है अगर हम यानी कि विविधताओं की की बात करेंगे स्पीशीज की बात करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स की बात करेंगे तो ये विश्व में हम 8.1 परसेंट के साथ भागीदारी यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे हम पूरी दुनिया की सत्रह मेगा बायोडाइवर्सिटीज जो कंट्री है जो की बहुत ज्यादा रिच है फ्लोराफोना को लेके उन सत्रह कंट्रीज का ना हम यहाँ पे हिस्सा बने हुए हैं ठीक है अब ये जो हमारी जो बायोडाइवर्सिटीज हैं उसको मैनेज करने के लिए हमने क्या क्या किया हुआ है तो याद रखिए हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि संरक्षण के लिए या जैव विविधताओं की संरक्षण करने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने के लिए हमने नाइनटीन का जो अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना वो लागू किया गया दैट इज हमारे पास जो अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिसपे जिसकी तहत या जिसकी मदद से हमारे जितने भी प्रोटेक्शन एरिया क्रिएट किए जाते हैं चाहे नेशनल पार्क हैं, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चाहे हैं, सारे के सारे उन्नीस सारे बहत्तर के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं इसके तहत हमने प्रोटेक्टेड एरियाज जो है ना वो उनको बनाया हुए तीन मेन प्रोटेक्टेड एरियाज हमने बनाए हुए हैं जिसमें पहला नेशनल पार्क्स आते हैं तो पहले बताइए भारत के अंदर कुल मिला के नेशनल पार्क कितने हैं क्वेश्चन ऑफ द डे भारत के अंदर आज की डेट में अगर हम बात करें तो टोटल मिला के नेशनल पार्क की संख्या कितनी है आप लोगों को एक याद रखनी है ठीक है एक uh, जो है वो कगार पे है लेकिन अभी बना नहीं है तो वन करके याद रखे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर हम बात करें तो भारत में एट प्रेजेंट आज की डेट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की संख्या है पांच सौ छियासठ दट इज फाइव 66 और बायोस्फीयर रिजर्व्स भारत के पास कितने हैं? तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है ना वो आपको याद रखने हैं कि 18 जो है ना वो बायोस्फीयर रिजर्व्स यहां पे हैं, ठीक है ठीके? 1972 का एक्ट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स की, की, uh, की सुन लीजिए कि भाई इन तीनों में डिफरेंस क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में नेशनल पार्क में प्रोटेक्टेड एरियाज में तो नेशनल पार्कस और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कभी कभार आपकी कई सारी ऐसी भी हैं जो नेशनल पार्क भी हैं और वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे इकट्ठी अपनी कॉमन जो है वो बोली जाती है तो ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है जो केंद्र और राज्य सरकार होती है वो किसी भी क्षेत्र को नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिक्लेयर करती है अब कोई भी अगर नेशनल पार्क है या कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आप सिंपल सी चीज ये याद रखिए कि जब भी हम किसी भी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क करके डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे ना कोर्स एरिया बना दिए जाते हैं जैसे एक क्षेत्रफल फल है जैसे राजा जी नेशनल पार्क है मान लीजिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो तो वहां पे ना तीन तो एरिया बना दिए जाते हैं जिसमें से केंद्र वाला जो एरिया है ना उसको हम क्या बोलते हैं कोर जोन बोलते हैं और उसके बाहर वाला जो एरिया है ना उसको हम बफर जोन करके बोलते हैं तो केंद्र को अपन ने या क्या बोला अपने कोर और बफर जोन बोल दिया तो जहां पे एनिमल्स की नंबर

बड़ा नेशनल पार्क बोला जाता है स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो साउथ बटन आइलैंड जो है वो अंडमान निकोबार में जो लोकेटेड है ये भारत का सबसे छोटा 0.03 स्क्वायर किलोमीटर का इसका पूरा एरिया है यहां पे तो 0.03 स्क्वायर जीरो तो स्क्त मध्य प्रदेश में पूरी पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हाईएस्ट अगर हम स्टेट की बात करें तो आप 10 नेशनल पार्क याद रखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर दस नेशनल पार्क है और ग्यारहवा बनने की कगार पे है इसीलिए एक और एक में है जैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर ग्यारह नेशनल पार्क हो जाएंगे तभी भी आप कंट्री के पड़ोगे पढ़ोगे 105 नेशनल पार्क जो है ना वो यहां पे पूरा का पूरा पढ़ने लगोगे ठीक है 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 तो याद याद रखिए पे कि कि मध्य प्रदेश जो वो उसमें सबसे ज्यादा रखना 10 नेशनल पार्क होते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर उसके अलावा अंडमान और निकोबार आइलैंड याद रखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर यहाँ पे नौ नेशनल पार्क जो है ना वो लोकेटेड है तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश उसके बाद अंडमान एंड निकोबार में नेशनल पार्क जो है ना वो आपके लोकेटेड है ठीक है अब इसी को जरा अगर अपना मैप पे यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो ये याद रखिए यहाँ पे कि मध्य प्रदेश आपको याद रखना है कितना दस नेशनल पार्क आपको याद रखने कौन से याद रखने बंधवगढ़ इंद्रा, इंद्रा प्रयादर्शिनी कान्हा नेशनल पार्क माधव पन्ना संजय सतपुरा वन बिहार ये सारे आपको लिख के मिलेंगे क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसमें मिलके जो पीडीएफ सॉरी है उसमें सारे मिलेंगे ठीक है अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो नौ जो है ना अंडमान निकोबार में है कैंपवेल गलत था यहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल पार्क मिडल बटन जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है उसके अलावा यहाँ पे नॉर्थ बटन माउंट हेरियट रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क सडल पीक साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क करके स्टेट वाइज अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें तो स्टेट वाइज जो है वो क्या रहेगा आप एक एक स्टेट को बस आप ऐसे ही लर्न करते जाइएगा एग्जाम में क्या पूछते हैं हेमिस है ने नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है तो आप क्या बोलेंगे भाई लद्दाख में लोकेटेड है ठीक है हैमिस नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है

सिंबाल बारा राइट right. उसके अलावा उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के नीचे यहाँ पे उत्तराखंड बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के नीचे ये वाला पूरा एरिया नंदा देवी हो गया वैली ऑफ फ्लावर हो गया राजाजी नेशनल पार्क हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है 1936 में बना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जो है ना वो बोला जाता है पहले इसको हेलीज नेशनल पार्क बोले थे बाद में इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया उसके अलावा देखिए कॉर्बेट आपको पता है नंदा देवी आपको पता है राजा जी राजा जी पता है वैली ऑफ फ्लावर पता है गंगोत्री याद रखिए गंगोत्री उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है और उसके अलावा गोविंद नेशनल पार्क जो है ना वो भी यहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड है आपका उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है ठीक है अब जरा नेक्स्ट पे मूव करते हैं इसी तरीके से ना आपको मैप भी याद हो जाएगा जब आप ये सारी चीजें पढ़ोगे अब यहाँ पे जरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात कर लो इस पूरे एरिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आसाम की बात करते हैं आसाम ये वाला पूरा जोन है ये वाला देखो ग्रीन वाला जहां पे मैं अपना पेन चला रही हूँ ये जो है ना ये आपका पूरा ग्रीन जोन जो है ना ये आसाम को बोला जाता है यहां पे देखो सिकाहा काजीरंगा मानस नमेरी और राजीव गांधी नेशनल पार्क कोई नया हुआ है क्या आसाम में जरा ये बताना सुबह छह से सात बजे वाली आप क्लास करते हो ना आप ये बताइए वन टू थ्री फोर फाइव पांच नेशनल पार्क आसाम में है यहाँ पे हमने लिखे हुए कोई और नेशनल पार्क क्या आसाम में जुड़ने की कगार पे है नागालैंड के अंदर आपको एक ही नेशनल पार्क याद रखना है कौन सा नागालैंड हाँ, है कहां पे ये रहा ठीक है नागालैंड तो इन टाकी इन टाकी करके याद रखिए इन टाकी मणिपुर कहां पे आ गया नागालैंड के पास आपका मणिपुर आ गया मेघालय मानस पूरा का पूरा मणिपुर के लिए काइबुल लामजो काइबुल लामजो नेशनल पार्क तो एकदम नागालैंड के नीचे आपको मणिपुर याद रखना है मणिपुर के बिल्कुल नीचे आपको मिजोरम याद रखना है मिजोरम में दो नेशनल पार्क है मुरलेन और भा, ये भागगन पुवाई ब्लू माउंटेन इसके नीचे त्रिपुरा आ गया त्रिपुरा ये रहा हाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा इन दोनों रेखाओं से पास करती है यहाँ पे त्रिपुरा के लिए क्लाउडेड याद रखिए और बाइसन नाम का जो नेशनल पार्क है वो आपको याद रखना है पे ठीक है ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बस सुनते जाइए इसको ढंग से ताकि आप जब पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा ना अच्छे तरीके से याद रहे अरुणाचल प्रदेश के लिए आपको दो नेशनल पार्क याद रखने है एक तो नाम धापा याद रखना है और एक माउलिंग नेशनल पार्क याद रखना है ठीक है

आ, इसी सीक्वेंस में अगला नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा खिसक के अब आते हैं अपन गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की साइड गुजरात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये वाला जो, जो जोन है पूरा का पूरा ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या डिफाइन किया जाता है कि ये हल्का सा जो है ना ये रिच जोन बोला जाता है तो भारत के अंदर ये जोन अच्छा रिच जोन जो है ना वो आप वैसे भी याद रखो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला पूरा एरिया है या गुजरात है यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन भी पास करती है

सुल्तान नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है ये हरियाणा में लोकेटेड है है ना सुल्तान नेशनल पार्क हरियाणा में उसके नीचे की हम यहाँ पे चार ज़ोन्स की बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान से रिलेटेड हो गया अब देखो वंसदा ब्लैकबर्ग, गिर नेशनल पार्क और मरीन ये चार नेशनल पार्क जो हैं वो यहां पे लोकेटेड हैं दैट तो इज गुजरात के अंदर आपके ये चार जो है ना वो लोकेटेड हैं राइट अब नीचे आइए चंदोली नेशनल पार्क गुग गुगामल नेशनल पार्क नावेगांव नेशनल पार्क पेंच हो गया संजय गांधी हो गया और तडोबा ये सारे के सारे कहां पे हैं ये आपके लोकेटेड है महाराष्ट्र के अंदर ठीक है पूरा का पूरा अच्छा ये कहां गया है, है? महाराष्ट्र ये रहा है यहाँ पे तडोबा नेशनल पार्क ये रहा है यहाँ पे ये पूरा जोन जो है वो क्या हो गया आपका यहाँ पे नेशनल पार्क से डिनोट कर दिया तो ये सारे के सारे संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली में लोकेटेड है बिल्कुल जो है ना वो बीच के साइड पे बोला जाता है यहाँ पे तो उसके कॉन्टेक्स में ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है राइट तो जी सुल्तानपुर आपको हरियाणा याद रखना है ठीक है सुल्तानपुर जो है वो हरियाणा करके याद रखिए आप देखिए जरा नेक्स्ट में आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आ, ये देखिए अनामुड़ई अब जरा केरला कर्नाटका तमिलनाडु को थोड़ा सा फोकस करते हैं यहाँ पे केरला कर्नाटका और तमिलनाडु अनामुड़ई एरवाकुलम अनामुडम पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क साइलेंट वैली और पेरियार आपको क्लियर है बाकी सारे नाम भी याद रखिए ये सारे के सारे के केरला यहाँ पे लोकेटेड है ये देखो सारे के सारे नाम और एक साथ लोकेटेड आपको सारे के सारे दिखाई देंगे साइलेंट वैली अनामुड़ई एरवाकुलम मथाकेटी पाबाद पबा, दुम और पेरियार सारे के सारे लाइन से लगे हुए हैं कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है अंशी बांदीपुर बनेर कुदेरमुख और नागरहोल ये सारे के सारे आपके ये कर्नाटका वाले जोन में आ गए ये रहा सारा कर्नाटका वाला जोन आंशी कुदेरमुख बनारघट्टा करके यहाँ पे बंदीपुर नेशनल पार्क हो गया उसके अलावा नागरहोल नेशनल पार्क ये रहा यहाँ पे नागरहोल नेशनल पार्क साइलेंट वैली के बिल्कुल ऊपर जो है ना वो नागरहोल नेशनल पार्क है ये हो गया आपका कर्नाटका से रिलेटेड अंशी नेशनल पार्क बंदीपुर बनेर घट्टा कुदेरमुख

घाट्स में जहां पे सारा का सारा ये नीलगिरी वाला जो एरिया है ना उसके लिए अपन डिफाइन करते हैं की नीलगिरी वाले जो पूरा एरिया है वहां पे ना अपने को ये ज्यादा देखो अब देखो ना तो ज्यादा किनारे पे ना बिल्कुल शोर पे ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो इस पूरे एरिया में आपको ये जो नेशनल पार्क है ना वो सारे ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड से होते हुए दिखाई देंगे तो ये सारा एरिया कौन सा है साइलेंट वैली वाला डोडा बेटा अन्नामलाई नीलगिरी हिल्स कार्डमन हिल्स इलायची पहाड़ियां तो वो तो काफी नीचे में यहाँ पे लोकेटेड है कार्डमन की इलायची की ये जो पहाड़ियां हैं लेकिन उससे पहले सारे के सारे ये नेशनल पार्क जो है ना वो यहाँ पे आपके कॉन्सेंट्रेटेड होके मिलते हैं ठीक है याद रहेंगे अब टॉप टेन बिगेस्ट नेशनल पार्क की बात करते हैं इंडिया के अंदर दस बड़े नेशनल पार्क जो है ना वो कौन कौन से हैं जैसे पहला देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हेमीज नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है लद्दाख में लोकेटेड है 1981 में बना था ये और ये अच्छा अब इसकी जो एरिया है वो जम्मू कश्मीर नहीं लिखनी है आपको लद्दाख लिखनी है कौन सी लिखनी है लद्दाख तो जब हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को डिवाइड करके दो यूटीज बना दिया है तो हेमिस नेशनल पार्क कौन से एरिया में आ रहा है लद्दाख में आ रहा है तो चवालीस सॉरी चार स्क्वायर किलोमीटर करके याद रखिएगा ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है सेकेंड नंबर पे कौन आता है सेकेंड नंबर पे आपको याद रखना है डेजर्ट नेशनल पार्क डेजर्ट नेशनल पार्क भी 1981 में बनाया गया था राजस्थान में लोकेटेड है अगर उसकी 4,400 है हेमिस की तो डेजर्ट की कितनी है तीन किलोमीटर करके स्क्वायर किलोमीटर अच्छा एनी कैसे तीसरे नंबर पे कौन है बताइए तीसरे नंबर पे कौन है चलिए अभी आप ही बताओगे तब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे बताइए जो है 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 ना वो पहले नंबर 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 पे है, नंबर पे पे दूसरे डेजर्ट नेशनल पार्क तीसरे इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है एनी गैसेस बताइए बताइए डेजर्ट नेशनल पार्क हरियाणा में आ, ये सॉरी राजस्थान में लोकेटेड है और ये गोल्डन गोल्डन आ, एरिया के नाम से भी बोला जाता है तीसरा कौन सा है यहाँ पे जल्दी बताइए तीसरा कौन सा है रणथंबोर नहीं जी रण थम्बोर नहीं है आप चवा देखो ऐसे करके लर्न करो चार हजार चार सौ पहला ठीक है अब कितना हो गया इकतीस बासठ है ना कितना हो गया इकतीस बासठ तीन यहां से कम हो गया एक यहां से कम हो गया तीन एक कम कर दिए यानी कि तेरह हमने कर दिए अब तीसरा कौन सा आएगा जरा देखते हैं भाई तीसरा कौन सा आएगा तो गंगोत्री नेशनल पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो भारत का तीसरे नंबर का नेशनल पार्क है जिसको अपन उत्तराखंड में लोकेशन बोलते हैं ये आ गया तेईस नब्बे अब बताओ देखते हैं कितना लोग ना आप देखते हैं कितने लोग इसको ना सीक्वेंस को ना कनेक्ट कर पाते हैं चवालीस चवालीस सौ उसके बाद कितना था यहाँ पे इकतीस सौ अब कितना हो गया तेईस राइट चवालीस इकतीस तेईस लेट्स सी कितने लोग इस सीक्वेंस को लर्न करने पर, कर पाते हैं ठीक है ये कौन सा हो गया गंगोत्री नेशनल पार्क ये तीसरे नंबर पे चौथा बताइए चौथा यहाँ पे कहाँ पे है नहीं देखिए पीडीएफ के लिए साफ सुन लीजिए चार बजे वाली क्लास आपकी एक्स्ट्रा क्लास जो है वो लगाई जा रही है ताकि स्टैटिक जीके के जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं वो आपको समझ आए लेकिन पीडीएफ की जहां तक बात है तो नौ बजे अन पे इसी चीज की क्लास होती है ये पार्ट वन होता है और अन अकेडमी पे इसी चीज की पार्ट टू की क्लास होती है तो पीडीएफ जो है ना वो वहां पे प्रोवाइड किया जाता है आपको बिल्कुल वर्ड फाइल भी मिलेगा और ये डायग्राम वाला फाइल भी मिलेगा एटलीस्ट आपको उसके लिए वहां पे आना ही पड़ेगा तो वो तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे चीजें मैनेज करनी है अब ये देखिए नाम धापा पार्क, कहां पे है? सारी करेंगे, करके करते जाओ जो जो इंपॉर्टेंट है वो कराते जा रहे हैं यहाँ पे नाम धापा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश याद रखिए एरिया कितना याद रखना है उन्नीस पिचियासी राइट अब देखो चवालीस इकतीस तेईस उन्नीस याद हुआ है यहाँ पे चवालीस से शुरू हुए थे चवालीस इकतीस तेईस और उन्नीस नामधापा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश अच्छा आप पांचवा बताइए ये चौथा है पांचवा देखिए यहाँ पे पांचवा नेशनल पार्क कंचन जंगा नेशनल पार्क इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है सिक्किम में लोकेटेड है और सत्रह चौरासी यानी कि फिर देखो चवालीस इकतीस उन्नीस और ये हो गया कितना सत्रह तो टॉप फाइव में कितना कितना एरियाज के साथ शुरू हो रहे हैं चवालीसौ इकतीस तेईस उन्नीस और सत्रह करके याद रखिए ये यहाँ पे अपना पूरा लोकेटेड है जो कि कंचनजंगा हो गया नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गुरु खासीदास नेशनल पार्क जिसको संजय नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है चौदह के साथ सत्रह के बाद आप आ जाइए चौदह चौदह स्क्वायर किलोमीटर ये आपका छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है नेक्स्ट यहां पे गिर नेशनल फॉरेस्ट या गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क शेर जो है ना वो यहां पाए जाते हैं पूरे इंडिया में सबसे अच्छे शेर या एशियटिक ऐस लाइन की जो जगह है ना वो आपकी गुजरात है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात एरिया कितना याद रखना है आपको चौदह सो बारह ये आ, टाइगर जो है ना ये सॉरी लाइन जो है ना दैटिंग सुनाई दे रहा आपको गुजरात आ, सबसे पहले एरिया जो है वो चौदह बारह देखिए लॉइन के लिए ना एक बात बोली जाती है शेर या टाइगर जो होते हैं ना जब ये अपने दो कदम पीछे हटाते हैं ना तो उतने ही फोर्स के साथ ना दोबारा एकदम से अटैक भी करते हैं राइट तो गुजरात करके याद रखिए गुजरात 1412 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ सेवंथ लार्जेस्ट करके यहां पे डिफाइन किया जाता है नेक्स्ट देखिए सुंदरवन नेशनल पार्क 1984 में एस्टेब्लिश हुए वेस्ट बंगाल के अंदर एरिया की अगर हम बात करें तो थर्टीन थ, थर्टीन करके याद रखिए थर्टीन ठीक ठीक है यहाँ पे अः थर्टीन करके याद रखिए तेरह सो तीस करके डिफाइन किया जाता है सुंदरवन अः लॉइन की शक्ल बेकार है शक्ल देखने का मौका देगा लॉइन तभी तो शकल बेकार लगेगी ये जब तक फोटो में दिख रहे हैं तब तक वो वाली एक डायलॉग है ना कि अभी हम जंगल में हैं और शेर आ गया तो क्या आएगा तो फिर हम कुछ फिर हम क्या करेंगे फिर हम कुछ नहीं करेंगे चिमपैन इसके लिए डायलॉग अभी यूज किया है तो फिर तो जो करना होगा ना वो शेर को ही करना होगा द फेयरेस्ट सबसे ज्यादा निडर अगर कोई जानवर इस धरती के ऊपर है ना तो वो शेर है चीता और बाकी लोगों के लिए बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा डर जाते हैं बट शेर जो है ना लॉयन इज दी फेयरेस्ट एनिमल इसको किसी चीज से डर नहीं लगता है वेस्ट बंगाल में व्हाइट टाइगर जो है वो पाए जाते हैं जिनकी संख्या भी होगी ये बहुत कम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 उत्तराखंड 1380 ये नाइन्थ नंबर पे दोबारा से यहाँ पे अपन बात कर लेंगे ठीक नेक्स है नेक्स्ट दे दिए यहाँ पे अस्टैब्लिश नाइनटीन सेवेंटी में इंद्रावती नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में ही लोकेटेड है इंद्रावती नेशनल पार्क ये टेंथ लार्जेस्ट इंडिया का नेशनल पार्क करके अपना डिफाइन किया जाता है अगर हम हम यहाँ पे टाइगर की ही बात कर रहे हैं टाइगर की ही बात कर रहे हैं तो जरा ये देख लीजिए यहाँ पे कि टाइगर के सेंसस के हिसाब से आपको पता होगा वी टॉक अबाउट दी टाइगर टेल हमारे पास दो के अंदर जो डाटा था टाइगर का वो था चौदह और अभी हमारे पास टाइगर्स की संख्या है टू नाइन से टू

महाराष्ट्र क्यों एमपी एमपी जो है वो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर स्टेट ऑफ द इंडिया करके बोला जाता है 526 जो है ना वो इसके अंदर टाइगर्स जो है वो पूरे लोकेटेड है उसके बाद कर्नाटक का खाली दो कम है और हो सकता है दो के सेंसस के बाद इन दोनों में थोड़ी सी टर्फ वॉर हो सकती है हालांकि एमपी में ही बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं टाइगर के कर्नाटका में 524 उसके बाद उत्तराखंड याद रखिए 442 के साथ उत्तराखंड नेक्स्ट 312 महाराष्ट्र और उसके बाद तमिलनाडु 264 याद रखिए तो टॉप फाइव जो टाइगर स्टेट्स हैं उनका नाम याद रखिएगा टॉप फाइव टाइगर स्टेट्स लाइक अच्छा पूरा का पूरा जो यहाँ पे 526, 524, 442, 312 और 264, 2967 करके टाइगर की संख्या पूरे भारत में इस टाइम पे हमारे टाइगर की संख्या है 2967 करके याद रखना है ठीक है अभी देखिए यहाँ पे चलिए अब क्वेश्चन के थोड़े से आंसर कर दीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं बताइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ दी मणिपुर अब आपने ये रिजर्व पूरा प्रोटेक्टेड एरियाज बना रहे हो सब कुछ आप कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोटेक्टेड एरियाज किसके लिए बनाए जाते हैं और जो स्पीशीज यहाँ पे ऐसी स्पीशीज हैं जो खतरे की घंटी की कगार पे बैठी हुई है तो उनको ना हम थोड़ा सा यहाँ पे पूरा कैस अपना डिफाइन किया जाता है कि भाई उनकी फिर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जाती है अच्छा टाइगर्स की इनकी सॉरी नेशनल पार्क्स की आपको संख्या पूछी जाएगी तो आप याद रखिए जैसे अगर आंध्र प्रदेश के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो आपको ये मैं वैसे तो पीडीएफ में दूंगी ये पूरा का पूरा आपको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है आंध्र प्रदेश में तीन नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में दो नेशनल पार्क आसाम में एक सॉरी पांच नेशनल पार्क बिहार जो है उसमें एक नेशनल पार्क वाल्मीकि वाला जो बोलते हैं वो बिहार में नेशनल पार्क एक ही लोकेटेड है छत्तीसगढ़ अपने तीन नेशनल पार्क हैं ऐसे करके आपको स्टेट के याद रखने एमपी में 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 जैसे दस हो में हो गए गए अंडमान निकोबार नेशनल नेशनल पार्क, पार्क त्रिपुरा दो है थीके? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 25 जो है मैं अभी करा रही हूँ आपको और थर्टी क्वेश्चन जो है ना वो अपन बाद में करेंगे तो पहले आप ट्वेंटी करिए पहला क्वेश्चन पे Which one of the following इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ दी मणिपुर तो मणिपुर के लिए आपको याद रखना है सेंगाई ठीक है सेंगाई जिसको ब्राउ ईटर एंटर डियर करके अपना डिफाइन किया जाता है ये मणिपुर की एंडेंजर्ड स्पीशीज करके बोली जाती है नेक्स्ट देखिए द स्पीशीज दैट आर नॉट फाउंड आफ्टर आफ्टर सर्चेज ऑफ नोन और लाइकली एरियाज अकर आर नोन एज वो प्रजातियां जो ज्ञात या संभावित क्षेत्रों की खोज के बाद भी नहीं पाई जा सकती या नहीं पाई जाती हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं बताइए बहुत सारी खोज कर ली बहुत सारी हमने यहां पे प्रजातियों के बारे में पढ़ लिया देख लिया लेकिन उसके बाद भी वो प्रजातियां जो है वो हमें नहीं मिल रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे हम इंडिया की बात कर रहे हैं चाइना कहां से पहुंच गए वो प्रजातियां जो ज्ञात या संभावित संभावित क्षेत्रों की खोजों के बाद भी नहीं मिल पाती हैं या नहीं पाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज करके याद रखिए ऐसी जो प्रजातियां होती हैं उनको विलुप्त या एक्सटेंट स्पीशीज करके यहाँ पे बोला जाता है नेक्स्ट बताइए विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ मेडिकल मेडिसिनल प्लांट यूज टू ट्रीट सम टाइम सम टाइप ऑफ द कैंसर तो हम प्रोटेक्टेड एरियाज की जब हम बात करते हैं तो आप ये याद रखिएगा प्रोटेक्टेड एरियाज और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं होता है हम यहाँ पे पौधों का भी पूरा अच्छे से ध्यान रखते हैं तो कैंस कौन सा ऐसा पौधा है जो कैंसर को क्योर करने के लिए यूज किया जाता है और काफी ज्यादा ये अपना ना प्रोटेक्टेड एरियाज में पाया जाता है यहाँ पे काफी ज्यादा तो हिमालयन यू यू करके याद रखिए हिमालयन यू नाम का एक पौधा है जो कैंसर को ट्रीट करने में मदद करता है ठीक है नेक्स्ट देखिए इन विच इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड कौन से वर्ष में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो लागू किया गया था यहाँ पे इन विच इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड बताइए आंसर क्या रहेगा कौन से वर्ष में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको लागू किया गया था तो 1972 1972 करके याद रखिए 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है अथॉरिटी जिसको हम एन के नाम से जानते हैं ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी बताइए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एन ये कौन से वर्ष में ना इसको लागू किया गया था बताइए से वर्ष में अब यहां पे दो अलग अलग क्वेश्चन दोनों के आंसर्स जो है ना वो आप लोग याद रखिएगा पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि जब भी हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तब आपको 1972 याद रखना है जब टाइगर कंजर्वेशन की बात करते हैं तो 1973 आपको याद रखना है लेकिन ये सबसे लास्ट वाली एक चीज याद रखिएगा कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी 2006 हजार आठ नहीं 2006 करके याद रखिए 2006 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उसको बनाया गया था विच ऑफ दी फॉलोइंग वॉज लॉन्च इन 1973 तो 1973 में 1973 में हमने कौन सी जो चीज है उसको लागू किया था कौन से प्रोजेक्ट को तो प्रोजेक्ट टाइगर जिसकी वजह से हमारे जो अच्छा देखो जब हमने प्रोजेक्ट टाइगर की ये 1973 में शुरुआत की थी ना तब हमारे पास तीन डिजिट्स में थे टाइगर्स फिर उसके बाद हमने बढ़ा के इतने किए हैं और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टाइगर जो है वो इंडिया के पास पाए जाते हैं ये चीज क्लियर है इसमें किसी को डाउट तो नहीं है पूरे वर्ल्ड के 60% टाइगर जो हैं वो भारत के अंदर हैं बाकी पूरे वर्ल्ड में टाइगर की संख्या बहुत ज्यादा कम है तो मतलब फोर्टी परसेंट टाइगर जो है वो बाकी दुनिया के पास है सिक्सटी परसेंट टाइगर जो है वो हमारे पास है ठीक है प्रोजेक्ट टाइगर करके याद रखिए नेक्स्ट बताइए पे इन ऑफ फॉलोइंग स्टेट इज दी पेरियार टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड अच्छा अब यहाँ से थोड़ा सा रिजर्व के और उनके एरियाज के बात आ जाएगी यहाँ पे तो बताइए कौन से हमारे राज्य में पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो लोकेटेड है बताइए कौन से हमारे एरिया में पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो लोकेटेड है एक क्वेश्चन देखो ऐसे टॉपिक जिनसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे मैंने कल की क्लास कराई थी अपॉइंटमेंट्स वाली चार वाली बजे ना तो अपॉइंटमेंट्स आपको पता है भाई मरे से मरे एग्जाम में जाओ आप किसी भी सिचुएशन पे जाओ है ना वाली है लेकिन आपको ये क्वेश्चन करके आना पड़ेगा अगर आप प्रोटेक्टेड एरियाज का क्वेश्चन का आंसर गलत करके आ रहे हो छोड़ के आ रहे हो अपॉइंटमेंट्स का आंसर गलत कर रहे हो किसी वॉर का आपको ईयर पूछा है और आप वो आंसर गलत कर रहे हो तो मतलब आपको फिर पेपर देने का ना यहाँ पे हक़ ही नहीं है ऐसे समझ लो आप मतलब वही वाली चीज़ें हैं कि हम बदनाम हो रखे हैं भाई तुम्हारी खातिर है हम पूरा बदनाम है तुम्हारी खातिर और तुम आए तुम हमारे कब्जे में नहीं आ रहे हो ये वाली चीज है पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे रहे हैं हैं रिलेटिव सोच रहे हैं। भाई लड़का इस बार तो करके मानेगा क्वालिफाई लेकिन यहाँ लड़के को प्रोटेक्शन एक्ट और ये सारे नाम ही नहीं पता पेरियार जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है केरला याद रखे ठीक है थीके? पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है अब देखो पेरियार नेशनल पार्क भी है और पेरियार टाइगर रिजर्व भी है तो ऐसे करके कई सारे जैसे हमारे भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है फिफ्टी है टोटल टाइगर रिजर्व्स कितने हैं 51 है है ना अब इसमें से कई सारे कॉमन भी हैं तो पेरियार नेशनल पार्क भी है और पेरियार टाइगर रिजर्व भी है तो आपको अलग-अलग काउंट करना है केरला हो गया यहाँ पे नेक्स्ट बताइए व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी वन का सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा एरिया है क्या याद रखना है आपको क्वेश्चन के हिसाब से टाइगर आ, स्टेट याद रख लीजिए सबसे ज्यादा यहाँ पे आ, नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं एमपी करके आपको याद रखना है परमानेंट फॉरेस्ट इनमें से अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो चिपको मूवमेंट जो है वो किसके लिए किया गया था तो बेसिकली चिपको मूवमेंट था क्या सुंदरलाल बहुगुना के द्वारा आज का जो उत्तराखंड है वहां पर चिपको मूवमेंट किया था ताकि प्लांट्स को काटा ना जा सके तो डिफॉरेस्टेशन के लिए इसको किया गया था वनों की कटाई का सफलतापूर्वक विरोध करने के लिए चिपको मूवमेंट यहाँ पे किया गया था अच्छा ये बताइए यहाँ पे आपके पास ना चार सेंचुरीज लिखी हुई है दंपा सेंचुरी वाल्मीकि रिजर्व रोहला नेशनल पार्क और गांधी सागर नेशनल पार्क इनमें से कौन सी आपको बतानी है कि गलत है आप बस ये बता दीजिए कि कौन सी इनमें से गलत है ए बी सी डी करके ही बताओगे और कैसे बताओगे इनमें से कौन सी जो आपकी नेशनल पार्क है वो मैच नहीं कर रही है उसकी रिस्पेक्टिव आ, स्टेट के साथ बहुत ही आसान है बहुत आसान है अभी मैंने ना उस स्टेट वाल्मीकि बिहार में अरे आपको गलत बताना है मेरे भाई गलत बताना इनमें से कौन सी आपकी गलत मैच है मिजोरम में ही है पे, है पे ना बाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही है और गांधी सागर सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है वो राजस्थान में लोकेटेड नहीं है गांधी सागर सेंचुरी जो है ये आपकी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है ठीक है क्योंकि हमने रोहला नाम सुना नहीं है तो उसको गलत कर दो है भाई ऐसे क्या बात है, है? कितना कंफ्यूजन है इन क्वेश्चन में देखो जरा ये ऐसा क्वेश्चन है जो बचपन में पैदा हुए थे आप तभी बता दिया था कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पढ़नी है क्लास चौथी पांचवी में ना पहली बार नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाते हैं चौथी पांचवी छठी में जब आती है ना सिविक्स हिस्ट्री थोड़ी सी एस की तो वहां पर ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क इंक्लूड किए जाते हैं पर मजाल है जो हमें आज तक भी उनके बारे में क्लियर हो गांधी सागर सेंचुरी जो है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है राजस्थान में नहीं नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नर्मदा सागर प्रोजेक्ट ये कौन सी uh, कौन से uh, राज्य में स्थित है अन अकेडमी की लिंक आपको क्लास के बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट कमेंट जो है ना वो अन अकेडमी का लिंक ही होता है कल भी मैंने आपसे कहा था नौ बजे की क्लास में आ जाइए पैंतीस मिनट की क्लास होती है रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन और पी आपको मिल जाएगी उसमें सारा का सारा डाटा के साथ और मैप्स के साथ सारी चीजें मिल जाएगी मध्य प्रदेश याद रखिए नर्मदा सागर प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट में लोकेटेड है एम गुजरात नहीं करना है इसका आंसर एम करके याद रखे थोड़ा झटका लग रहा मतलब थोड़ा शॉक लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चंस के हम आंसर नहीं दे पा रहे जबकि प्रोटेक्टेड एरियाज एक ऐसा टॉपिक है जो रख के जाना ही है कुछ आपके ना कम से कम मैं आपको एक बताती हूँ बात कोई नहीं बताया होगा ना आपको ये चीजें बताए भी होंगे तो आप ध्यान नहीं ध्यान दें ऐसी जरूरत आप उठाते नहीं जहमत तकलीफ उठाते नहीं है आप लोग है ना तो जीके में कम से कम 18 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको किसी भी एग्जाम में जाने से पहले मस्ट होते हैं मैंडेटरी होते हैं कि ये तो आपको करके जाने ही जाने हैं ठीक है जैसे हम आज ये दूसरा टॉपिक कर रहे हैं उस तरीके से एम करके याद रखिए नर्मदा तो धीरे धीरे इन टॉपिक्स पे थोड़ी सी पकड़ आपकी मजबूत कराएंगे बशरते अगर आप तैयार हैं तो नहीं भाई कोई दिक्कत ही नहीं है ये एक्स्ट्रा ग्लास फिर लगाने जो ही in India, भारत में वन की जरूरत के के थोड़ी सी चीजें जो है ना वो चेंज हो गई है तो अभी की अगर हम बात यहाँ पे ना भी करें ना तो एक अमूमन बता दीजिए कि अमूमन बता दीजिए वैसे यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर के बिल्कुल क्लोज बता दीजिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है जो आज की डेट में मैं बता रही हूं लेकिन कुछ एक आधी पर्सेंट के साथ थोड़ा गलत लिखा हुआ है क्या रहेगा एग्जैक्ट के थोड़ा करीब 19.67 लिख सिक्स ले, लेकिन यही मैं पूछूं अगर आज की डेट में मैं आपसे पूछू कि 2020 का जो फॉरेस्ट कवर आया था उसमें जो एफ की जो रिपोर्ट आई थी जो देहरादून ये रिपोर्ट जारी करता है उसमें फॉरेस्ट कवर था ट्वेंटी ठीक है तो ऑप्शन में अगर ऐसा नहीं दिया हो तो क्लोजेस्ट ऑप्शन चूज करने की कोशिश करिएगा 19.67 इस क्वेश्चन में दिया है जबकि क्लोजेस्ट ऑप्शन जो है वो आपका 21.67 परसेंट का यहाँ पे हो जाता है राइट हिमालय यू ये जो है वो कौन से एरिया में पाया जाता है तो हिमालय यू जब आपसे पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश करके याद रखिए हिमालया यू जो है ये कैंसर के लिए आ, यूज किया जाता है और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है ठीक है नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्ट टाइगर वॉर स्टार्टेड इन तो कोई शक 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसको यहाँ पे शुरू किया गया था सिमिलीपाल कौन से स्टेट में लोकेटेड है ये आपको आंसर हंड्रेड पता होना चाहिए इसमें गलती जो है ना वो Uh, क्या है इसकी ये अगर गलत किया तो मंजूर uh, क्या बोलते हैं उसको वाली आपकी जो है ना इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इसको मंजूर नहीं किया जाएगा भाई बताइए सिमिलीपाल जो है वो कौन से राज्य में लोकेटेड है भारत के किस स्टेट में सिमिलीपाल जो है वो आपका लोकेटेड है हाँ जी भाई थोड़ी जहमत उठा लो अन अकेडमी पे आने की अन अकेडमी पे आपकी एक कंप्लीट साइंस की क्लास चल रही है दूसरी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो है वो चल रहे हैं और तीसरी अभी मैंने इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए एक नई क्लास जो है वो एड करी है इसी अन अकेडमी पे मंडे ट्यूजडे के बाद से पचास क्वेश्चन की नई सीरीज जो है वो शुरू हो रही है तो अब नहीं आएंगे तो देखिए कुछ ना कुछ नुकसान पाएंगे काफी चीजें इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पे हो रही है उड़ीसा करके याद रखना है आपको उड़ीसा सिमिलीपाल और दूसरा बता दीजिए उड़ीसा के अलावा सॉरी सिमिलीपाल के अलावा उड़ीसा में दूसरा नेशनल पार्क कौन सा है बताइए सिमलीपाल के अलावा उड़ीसा में दूसरा नेशनल पार्क आपका कौन सा है नहीं मैं आपको मैप वगैरह की जहां तक बात है ना तो मैप आपको सारे के सारे प्रोवाइड हो ही जाएंगे उड़ीसा मैंने आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पे बताई है काफी बार क्लास में अपन ने भी किया है यहाँ पे है ना तो उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क के अलावा दूसरा कौन सा नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है महेंद्र गिरी नेशनल पार्क की यहाँ पे बात हो रही है ठीक है एक भीतर कनिका करके आपको याद रखना है भीतर कनिका ठीक है बिल्कुल यहाँ पे प्रिंसी भी, बिल्कुल भीतर कनिका करके याद रखिए उसके अलावा महेंद्र गिरी ठीक है महेंद्र गिरी नेशनल पार्क जो है उसकी यहाँ पे बात बनने की की जा रही है मतलब उसको बनाने की कगार पे किया जा रहा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको इंक्लूड करने की बात की जा रही है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज लोकेटेड इन दी वेस्ट बंगाल नेशनल पार्क की अगर हम बात करेंगे तो अभी के लिए आप दो ही याद रखो एक सिमलीपाल और एक बीतरकनिका जो है जिसको हम बोलते हैं ना विच ऑफ दी फॉलोइंग इज लोकेटेड इन बेस्ट बंगाल इनमें से कौन सा बेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है जिम कॉर्बेट आपको पता है उत्तराखंड सर इसका आपको पता है ये राजस्थान वाले से रिलेटेड सुंदरवन डेल्टा सुंदरवन नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल के अंदर अपना यहां पे टेड ठीक है बेस्ट बेंगाल करके यहाँ पे याद रखना नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर गंगेटिक डॉल्फिन ये किस तरीके की डॉल्फिन है और आपको पता होगा कि गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो भारत का क्या है समुद्र भारत का यहाँ पे जैसे राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय जीव जिसे बोलते हैं तो हमारा भारत का पानी का सबसे इंपॉर्टेंट जो जानवर है राष्ट्रीय जीव जिसे बोला जाता है मैमल वो कौन है यहाँ पे वो गंगेटिक डॉल्फिन ठीक है थीके? तो गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो कौन सी कैटेगरी में आपकी अभी

ंग दीरियस थ्रेटन बाई दाइनिंग ऑफ तो एक तो नेशनल पार्क में क्या हो जाता है, है या गोंडवाना तो गोल्ड कॉपर और कोयला और सीमेंट ये सब निकाला जाता है तो जब ये चीज निकाली जाती है माइनिंग की जाती है तो थोड़ा नेशनल पार्क के आस पास भी अगर कोई चीज अवेलेबल है तो उसको भी तहस नहस कर ही दिया जाता है तो बक्सा नेशनल पार्क जो है ये यहाँ पे बड़ी ज्यादा दिक्कत रहा है भी। किस चीज के माइनिंग की वजह से कौन सी चीज की ना यहां पे माइनिंग की जा रही है जिसकी वजह से बक्सा नेशनल बक्सा टाइगर रिजर्व तो आप लोग को याद रखना क्या है याद रखना तो टाइगर रिजर्व बेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और आप लोग यहां पे डोलोमाइट याद रखिए कोयला बेस्ट बंगाल में मिलता है सबसे पहले तो आपको याद रखना था कि बक्सा टाइगर रिजर्व है कहां पे अब जरा ये मत बताइए कई लोग आंसर है कोयला ऐसे चिपटे है ना कोयला आंसर देने में जैसे बिल्कुल ही कोयले के अलावा जिंदगी में और कुछ सिखाया ही नहीं है यहाँ पे है भाई साहब चीजें थोड़ा समझ के पहले आपको ये पता लगना चाहिए था ना कि बक्सा कौन और यहाँ पे 90 परसेंट लोग जो है ना वो आपने वो देखे ही नहीं होंगे सोचे ही नहीं होंगे कि बक्सा टाइगर रिजर्व है कहां पे बस कोयला हमको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है दिखाई दे रहा है आंसर कर दीजिए भाई डोलोमाइट करके याद रखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम का और होता है ना डोलोमाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का और जो है ना वो बोला जाता है डोलोमाइट को और डोलोमाइट जो है ना उसको निकालने के लिए बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ना वहां से इसकी खनन इसकी खनन की जा रही है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है अच्छा ये बताइए द साइबेरियन क्रेन बहुत ईजी क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन देखिए डरना नहीं साइबेरियन क्रेन जो है ये माइग्रेटरी बर्ड है विलुप्त होने वाला ये प्रवासी पक्षी है जिसको हम बोलते हैं तो ये क्या करता है कि हर साल जो है वो साइबेरिया से भारत में आता है है ना ब्रीडिंग करने के लिए आते हैं गर्मी और टेम्परेचर को झेलने के लिए आते हैं कई सारे बर्ड्स ऐसा करते हैं एनिमल्स करते हैं एनिमल्स करते हैं तो जहां पे वो रह रहे हैं वहां पे अगर सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं होती है तो थोड़ा सा माइग्रेट कर जाते हैं तो ये कौन से नेशनल पार्क में माइग्रेट करते हैं या बर्ड सेंचुरी में माइग्रेट करते हैं बताइए रंगा रंगनाटितबलदाव बेदानगल और सुल्तानपुरी बर्ड सेंचुरी कहां पे आते हैं ये हर साल साइबेरिया की जो बर्ड्स है ना वो उड़ के राजस्थान आती हैं तो एक तो सरिस्का करके अगर ऑप्शन दिया जाए तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका सरिस्का नेशनल पार्क होता है उसके अलावा आप केल नेशनल पार्क करके याद के राजस्थान से ठीक है वेन डिड दी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट केम इन टू संयुक्त वन प्रबंधन कौन से साल में ये लागू किया गया था तो भरतपुर में लोकेटेड है ना ये केलदाएं पूरा राजस्थान के भरतपुर में लोकेटेड है अच्छा ये हेरिटेज साइट में भी आता है केलदाय आपको पता है ना केलदाव नेशनल पार्क ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ना उसमें भी इंक्लूड किया जाता है तो सरिस्का में और केलदाव में हर साल साइबेरिया से पक्षी जो है वो के आते हैं अपना पानी घोसला ब्रीडिंग सीजन जो है ना उसके लिए है ना अच्छा फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो याद रखिए 1988 में और इसमें संयुक्त वन प्रबंधन में ये किया गया था कि नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व्स को और बायोस्फेर रिजर्व्स को, को मैनग्रोव के जितने भी एरियाज हैं यहाँ पे वाले वेटलैंड जिनको हम बोलते हैं रामसा साइड जिनको बोला जाता है इन सारे एरिया को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि बायोस्फे रिजर्व मान लीजिए कोई बायोस्फेयर रिजर्व है तो वो नेशनल पार्क भी हो सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है टाइगर रिजर्व भी हो सकता है कोई नेशनल पार्क जो है वो टाइगर रिजर्व भी हो सकता है तो इस तरीके से एक पूरा कहते हैं ना कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया गया था ताकि एक साथ काफी सारे ऑर्गेनिजम्स को टारगेट किया जा सके प्रोटेक्शन के लिए उन प्रजातियों को क्या नाम दिया जाता है जो ग्या अच्छा ये तो आपने बता दिया ना अच्छा एक्सटेंड करके बताया था ना चलिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए यहाँ पे बताए हाउ मेनी species ऑफ फोना आर फाउंड इन दी इंडिया टिल today आज तक भारत के अंदर कितने एनिमल्स जो है ना वो पाए जा चुके हैं अच्छा दो वर्ड याद रखिएगा फ्लोरा जब भी लिखा जाए तो मान लीजिए फ्लोरा आपको कहीं क्वेश्चन में लिखा है तो समझ जाइए ये पौधों की बात हो रही है जब भी किसी क्वेश्चन में फोना लिखा जाए फोना यानी कि जंतु ठीक है तो समझ जाइए यहाँ पे जंतुओं की बात हो रही है तो फोना लिखा रहे तो जंतु तो भारत के अंदर टोटल मिला के कितने एनिमल्स की संख्या अजय स्पीशीज की संख्या है टोटल संख्या नहीं है यह स्पीशीज की संख्या जैसे मैं ये बोलूं कि 81000 टाइप के स्पीशीज जो है ना वो यहाँ पे मौजूद हैं तो इनमें से ऐसा हो सकता है कि, कि किसी एक स्पीशीज के कम से कम जो है ना वो हजारों और भी जानवर मौजूद होंगे तो 81000 के टाइप्स ऑफ स्पीशीज हैं हर स्पीशीज की संख्या अब जैसे इसमें टाइगर स्पीशीज है तो टाइगर के जो है ना वो कितने हैं अभी 2967 आपके पास टाइगर मौजूद हैं ऐसी अगर हाथी की बात करें तो छह हजार के ऊपर अपने पास हाथी जो है वो मौजूद है ना ऐसे करके डिफाइन करते हैं तो ऐसे जैसे हम मान लीजिए कि इसमें मैं प्लांट्स पूछती कि भाई प्लांट्स की संख्या बता दीजिए तो आप प्लांट्स की संख्या कितनी बताते कि आपके पास इस टाइम पे भारत के अंदर पैंतालीस हजार से ज्यादा टाइप के स्पीशीज के प्लांट्स जो है वो मौजूद है अब इसमें मैनजी फैरा बोला जाए तो ये क्या हो गया मैंगो हो गया तो कम से कम पचास हजार स्पीशीज तो प्लांट की, की आम की आम की मौजूद है तो 45 आप याद रखिए 45 के के आसपास आपके पास एनिमल्स की जो प्रजाति है स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं और भारत के अंदर अगर एनिमल्स की संख्या बोले तो एट्टी करके याद रखिए ठीक है दोनों याद रखिए एनिमल्स के लिए याद रखिए एट्टी और पौधों के लिए याद रखिए फोर्टी फोना जो है वो हम एनिमल्स की स्टडी को बोलते हैं और फ्लोरा जो है वो प्लांट्स की स्टडी के लिए यहाँ पे डिफाइन किया जाता है ठीक है ये बताइए नेक्स्ट बताइए यहाँ पे विच ऑफ दी कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीशीज हैव बीन फाउंड ऑफ़ दी कमर्शियली नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया बताइए दक्षिण भारत में प्राकृतिक जंगलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो किस प्राकृतिक जंगलों को या कौन से प्लांट को जो है ना वो यहाँ पे नुकसान पहुंचाया जा रहा है टीक का पौधा याद रख लीजिए भाई ठीक है जो दक्षिण भारत में ये माइनिंग वगैरह की जा रही है उससे टीक का जो पौधा है वो सीधा सीधा अफेक्टेड यहाँ पे हो रहा है पिंक हेडेड डक इज अ टाइप ऑफ बताइए पिंक हेडेड बतक ये जो है ना वो किस प्रकार अच्छा इन चारों में सम समझ आता है ना वेबल रेयर एंडमिक और एक्सटिंक्ट स्पीशीज ये क्या होते हैं इसी में एक और नाम जोड़ लीजिए एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड ठीक है एंडेंजर्ड अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूं वल्रेबल स्पीशीज है गंगाटिक डॉल्फिन वलनरेबल का मतलब है जिसकी मात्रा अभी एक्स मौजूद है यानी कि आपके पास बड़ी कम मौजूद है रेयर स्पीशीज है जो आपके पास एक्स माइनस टेन यानी कि ऐसी स्पीशीज जो आपको कहीं कहीं देखने को मिलती है तो हमने ना भारत में ऐसे हॉटस्पॉट जोन बनाए हैं वहां पर आपको ना ये रेयर स्पीशीज मिलेंगी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल कहीं भी बिखरे हुए हैं जैसे साइलेंट वैली में एक स्पेशल टाइप का एनिमल मिलेगा या जैसे मैंने बोला कि वाइट टाइगर जो है ना ये सुंदर वन वाइट टाइगर नाम की किताब किसकी है द वाइट टाइगर किसी की किताब है ना तो उसके ऑथर कौन है बताइए सुंदरबन डेल्टा जो है ना मतलब सुंदरबन डेल्टा में व्हाइट टाइगर मिलते हैं ये वहाँ की स्पेशलिटी है लॉइन टाउ टा, लॉइन टेल्ड मकाओ ये और रायनासोस वन हॉर्न रैनासोस ये आसाम में पाए जाते हैं काजीरंगा में उसके अलावा कहीं नहीं पाए जाते हैं तो उसको ना हम रेयर स्पीशीज बोलते हैं एक्सटिंक्ट क्या होता है विलुप्त जो थी अब नहीं है ठीक है जैसे वल्चर्स हैं। गिद्ध थे ना हमारे नहीं वल्चर्स क्या होते हैं? गिद्ध नहीं होते हैं ना क्या बोलते हैं वल्चर्स को क्या बोलते हैं वल्चर्स ऐसी लंबी सी चोंच होती है और ऐसा मछली जो है ना वो पकड़ के ऐसे ना खा जाते हैं पानी में से ऐसा निकाल के वल्चर्स जो है ना वो आज की डेट में वल्चर्स जो है ना वो बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं खत्म हो चुके हैं हमने उनके ऊपर हमने इतने फर्टिलाइजर यूज किए कि वर्चा जो है वो 2014 में पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गए एंडेंजर्ड क्या होता है जो खतरे की घंटी जिनके सर पे है जैसे टाइगर टाइगर एंडेंजर्ड स्पीशीज था अब हमने उसको थोड़ा सा नंबर में बढ़िया कर दिया है पर टाइगर एंडेंजर्ड स्पीशीज में हमने शामिल किया था अच्छा अरविंद अडीगा बिल्कुल द वाइट टाइगर नाम की जो किताब है वो मालिक और जो नौकर होता है उसकी स्टोरीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है वाइट टाइगर में अरविंद अडीगा नाम की इसकी किताब है हाँ जी बिल्कुल यहाँ पे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती हैं इन दो स्पीशीज को हम रेड डाटा बुक में लिखते हैं ठीक है एंडेंजर्ड स्पीशीज और एक्सटिंक्ट स्पीशीज अभी क्या है कि क्वेश्चन की अगर अपन ने बात किया है तो पिंक हेडेड जो है वो एक्सटिंक स्पीशीज है आपको ना डक पिंक हेडेड जो है वो पाई नहीं जाती जैसे वल्चर इंडिया से खत्म हो चुके हैं पूरी तरीके से उसी तरीके से पिंक हेडेड डक जो है ना वो भी पूरी तरीके से भारत से यहाँ पे खत्म हो चुकी है चले इतना चीज कर लेते हैं अभी टाइम आपका ऑलरेडी हो गया है अब इसके आगे के ये ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको कराऊंगी की क्लास में देखो इतना कोई टेंशन नहीं होता है आप आराम से ना क्लास ज्वाइन कर सकते हो तो अगर आप भी आज भी आते हो तो मैं आपको कल वाली पीडीएफ जिनको नहीं मिली है वैसे तो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए थे नौ बजे तो मिल गई होगी सबको लेकिन जिनको नहीं मिली है देखिए रात को नौ बजे आ जाइए मैं हार्डली ना आपसे थर्टी फाइव मिनट जो है ना वो ये टॉपिक को कवर कराने में लूंगी तीस क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं थर्टी क्वेश्चन

अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो क्लास में क्वेश्चन आओगे करोगे तो क्लास में क्वेश्चन देखो इतना पॉसिबल नहीं होता है ना अगर आपको अब एक घंटे की क्लास होगी इसमें अपन ने 25 क्वेश्चन और थ्योरेटिकल पार्ट में काफी सारी चीजें सीखी हैं अब आपको अगर सारी चीजें कंप्लीट करनी है तो एटलीस्ट यू हैव टू कम ऑन दी ऑन तीन घंटे की क्लास यूट्यूब पे हो रही है भाई और कितनी क्लास करेंगे इसके अलावा <laughs> बाकी लोगों को भी तो करनी है ना तो स्टैटिक जीके की ये क्लास आपकी अन अकेडमी पे दो क्लासेस होती है सात से आठ हम सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चन अभी कर रहे हैं उसमें कोई मिक्स एंड मैच नहीं है वो टॉपिक वाइज है तो उसमें हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर रहे हैं अभी उसके अलावा नौ बजे की जो क्लास है वो आपकी इसी जीके के स्टैटिक जीके के पार्ट की हो जाएगी अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो चालू है अभी तो आप बारह बजे टेस्ट दे दीजिए और स्कॉलरशिप का हिस्सा यहाँ पे हो सकते हैं अन की क्लास के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है आप सिर्फ अन अकेडमी की स्पेशल क्लास के लिए अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करिए एस एस सी सेक्शन में जाइए शिप्रा चौहान टाइप करिए वहां पे मेरी प्रोफाइल दिखेगी उसे फॉलो कर लीजिए और उसके बाद सीधा सीधा क्लास को देखना शुरू कर दीजिए ठीक है पे आपको अच्छा जब आप फॉलो करते हो या आप एंटर करते हो ना तो वो आपसे एक कोड भी पूछेगा तो क्या कोड आपको लगाना है शिप्रा देखिए पे आप एंटर करो तो आपसे कुछ ना कुछ तो वो आपकी डिटेलिंग पूछते हैं तो किस कोड को आप लगाने वाले हो वो भी पूछते हैं तो आप शिप्रा लाइव कोड जो है ना वो यहाँ पे इस्तेमाल करिएगा शिप्रा लाइव कोड आराम से ठीक है तो वहां पे आ जाइए मैं सारी की सारी पिंक हेडेड डक हमारे गाँव में है हाँ बिल्कुल ही गांव नेशनल पार्क के अंदर आ रहा है कहां पे आ रहा है ये बताओ पिंक हेडेड डक न्यू चैनल पे क्लास क्यों स्टार्ट होगी और कितना क्लास करेंगे पर डे छह क्लासेस ऑलरेडी हो रही हैं और क्या जान लेंगे क्या बिल्कुल ही अपनी और बच्चों की बताओ यहाँ पे आ, आपकी क्लासेस दो ही जगह भी चल रही हैं भाई एक तो अन अकेडमी पे अभी आपकी तीन क्लासेस चल रही हैं छः से सात सात से आठ और नौ से दस और यूट्यूब पे आपकी दो क्लास चलती हैं सुबह एक छः से सात और दूसरी आठ से नौ साइंस की ये एडिशनल क्लास थी ताकि आपको कुछ टॉपिक जो है ना वो करा सके ठीक है टेलीग्राम पे आने से पहले पीडीएफ आपको देखिए जो अन अकेडमी पे पीडीएफ जाती है वो भी टेलीग्राम पे जाती है लेकिन वो अलग एक टेलीग्राम है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और पीडीएफ के लिए मिलती नहीं है आप थोड़ा सा ना ध्यान रखो करो तो एक बार यहाँ पे आ जाइए अच्छा आठ के सीरीज के जो हमने पहला चार का सीरीज करा था उसके अभी कुछ क्वेश्चन रह गए वो भी हम अनअकेडमी पे कल और परसों की क्लासेस में करने वाले हैं सो यू की क्लास में और शनिवार को और संडे को हम ये दो दिन बचे हुए जो 125 क्वेश्चन है वो भी